Hello everyone, let us continue with the case based question series for class 10. So previous मैं आपके साथ discuss कर चुकी हूँ for the topic life processes and today we will discuss a case based question from the topic how do organisms reproduce. So case based question जो है वो मैंने आपको बताया है that there are four questions जिसमें कि 5 parts होते हैं. हर question में 5 parts होते हैं and one internal choice is there. That means हर question में आपके पास 4 MCQs होते हैं and each multiple choice question carries 1 mark. मतलब हमारे पास 4 questions हैं, उसमें हर question में 4 MCQs हैं, okay? And one MCQ carries 1 mark. That means हमारे total जो है वो 16 marks के case based question होते हैं. So it is really easy to score. बहुत easily आप score कर सकते हो. वन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेक्ट आंसर किया दैट मींस 1 मार्क आपको मिल गया. सो इट इज इजी टू आंसर अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हो. एंड केस बेस्ड क्वेश्चन में ऑलवेज देयर इज अ पैराग्राफ, आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया होता है एंड देन रिलेटेड टू दैट एंड रिलेटेड टू द नॉलेज यू हैव उसमें क्वेश्चंस होते हैं. ओके सो जो टेक्स्ट पढ़ा है आपने अपनी टेक्स्ट बुक में से प्लस जो यहाँ पे थोड़ा आपको नॉलेज दिया है यू विल यूज बोथ टू सॉल्व द एमसीक्यूज. ओके सो स्टार्ट करते हैं द केस बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस. द क्वेश्चन इज फ्लावरिंग प्लांट्स आर कॉल्ड एंजियोस्पर्म्स. फ्लावरिंग प्लांट्स को एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं. वी नो दैट दे बियर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स विद इन द फ्लावर. रिप्रोडक्टिव पार्ट कहाँ होता है एंजियोस्पर्म्स का. फ्लावरिंग प्लांट्स का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं वो होते हैं फ्लावर में. ओके एंड देयर सीड्स आर इंक्लोज्ड इन अ फ्रूट. फ्रूट के अंदर क्या होती हैं सीड्स होती हैं राइट. मोस्ट प्लांट्स हैव बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन द सेम फ्लावर. क्या बोल रहे हैं मोस्ट प्लांट्स ज्यादातर प्लांट्स में जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं वो कहाँ होते हैं इन द सेम फ्लावर. सेम फ्लावर में एक ही फ्लावर में मेल एंड फीमेल दैट इज स्टेमिन एंड पिस्टल दोनों एक ही फ्लावर में होते हैं तब हम उनको बोलते हैं बायसेक्सुअल फ्लावर राइट. व्हाइल अदर्स हैव देयर मेल और फीमेल आइदर मेल और फीमेल या स्टेमिन या पिस्टल इन फ्लावर एंड दे आर नोन एज यूनिसेक्सुअल फ्लावर. ठीक है अगर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज स्टेमिन और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज पिस्टल अगर एक फ्लावर में होते हैं आइदर मेल और फीमेल दोनों में से कोई एक तब हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर. ओके तो इतना हमें डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है अबाउट द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन द फ्लावर. लेट अस कम टू द क्वेश्चन. द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव स्टेजेस सीन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. सो फ्लावरिंग प्लांट्स में जो रिप्रोडक्टिव स्टेजेस होती हैं उसका करेक्ट सीक्वेंस बताना. सो करेक्ट सीक्वेंस आपको पहले थोड़ा सा ऑप्शन देख लेते हैं एंड देन आपको खुद उसका आंसर सोचना है. ओके गैमेट्स जाइगोट एम्ब्रियो देन सीडलिंग. ओके बी ऑप्शन है सीडलिंग जाइगोट एम्ब्रियो और गैमेट. सो यहां तक हमें पढ़ के पहले ऑप्शन से ही हमें एक करेक्ट सीक्वेंस खुद अपने माइंड में सोचना है. ओके सो फर्स्टली क्या होता है गैमेट्स होते हैं मेल एंड फीमेल गैमेट आते हैं राइट. मेल एंड फीमेल गैमेट क्या करेंगे आपस में फ्यूज करेंगे राइट. तो मेल और फीमेल गैमेट जब फ्यूज करते हैं तो क्या बनता है जाइगोट बनता है. ओके जाइगोट जो है उसमें डिवीजन होता है राइट. मेनी टाइम्स वो डिवाइड होगा और वो क्या बनाएगा बंडल ऑफ सेल्स बनाएगा और क्लस्टर ऑफ सेल्स बनाएगा जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो राइट. तो एम्ब्रियो जो है वो सीड के अंदर होता है. ओके एंड सीड को जब ग्रो करते हैं जब सीड को जर्मिनेट करते हैं तो क्या निकलता है सीडलिंग निकलता है जिसको कि हम प्लांट ही बोलते हैं राइट. तो क्या स्टेजेस हुई गैमेट देन जाइगोट देन एम्ब्रियो एंड देन सीडलिंग. ओके सो कहाँ है ये ऑप्शन लेट अस सी फर्स्ट गैमेट जाइगोट एम्ब्रियो एंड सीडलिंग. तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है राइट. सो ए इज द करेक्ट आंसर. ओके सो बहुत बार आपको सारे ऑप्शंस पे नहीं जाना है. इफ यू नो द करेक्ट आंसर आपको खुद ही सोचना है बिकॉज मैनी अ टाइम्स जब आप सारे ऑप्शन पढ़ते हो तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है. तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको अपना कंसेप्ट जो है वो क्लियर रखना है. ओके लेट अस कम टू सेकेंड क्वेश्चन. द डायग्राम शोज द क्रॉस सेक्शन थ्रू द कार्पल
through the carpel of a flower just before fertilization. So question हमेशा पढ़ने के time बहुत carefully read करना है and you can underline the important things in the question. ठीक है, हमेशा question में important things underline करना बहुत जरूरी है. फिर से पढ़ते हैं. Diagram shows the cross section through the carpel of a flower just before fertilization. Fertilization के एकदम पहले, fertilization के just before का क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है. दिस इज द कार्पेल ऑफ अ फ्लावर. तो क्या दिया है देखते हैं. सो कार्पेल ऑफ अ फ्लावर दिया है एंड देयर आर पोजीशंस. ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे पोजीशंस मार्क्ड हैं डायग्राम में. ओके, सो क्वेश्चन पे आते हैं. वेयर विल द मेल एंड फीमेल गैमेट्स बी. मेल एंड फीमेल गैमेट्स कहाँ होंगे जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन. जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन के बिल्कुल पहले मेल एंड फीमेल गैमेट कहाँ पे होंगे. ओके, सो ये डायग्राम है हमारे पास, देखते हैं. दिस इज द स्टिग्मा. ठीक है, ये क्या हो रहा है, पॉलन ट्यूब बन रहा है एंड दिस इज द ओवरी. राइट, सो मेल एंड फीमेल गैमेट कहाँ पे होंगे पहले हमें खुद ही सोचना है. ठीक है, हम हर पोजिशन पे नहीं सोचेंगे, हमें पता है कि कहाँ होंगे. द मेल गैमेट शुड बी नियर द ओव्यूल. राइट, वो फीमेल गैमेट के पास में होना चाहिए सो दैट वो फ्यूज करें. राइट, और फीमेल गैमेट कहाँ होगा, इन दी ओवरी. राइट, ओवरी के अंदर होगा. तो हमें समझ में आ गया कि जो फिफ्थ है वो फीमेल गैमेट है. राइट, ओवरी के अंदर हमारा क्या है, फीमेल गैमेट है. राइट, तो फिफ्थ पे हमारा फीमेल हो गया. एंड मेल गैमेट कहाँ होना चाहिए, क्या मेल गैमेट स्टिग्मा पे होगा अभी भी? नो, जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन तो वो यहाँ पे नहीं होगा. जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन वो पॉलन ट्यूब में भी नहीं होगा. राइट, तो उसको कहाँ होना चाहिए, इट शुड बी नियर दी ओव्यूल. ठीक है, तो हमारा ओव्यूल यहाँ है, तो हमारा जो मेल गैमेट है वो कहाँ होना चाहिए, यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे हमारा मेल गैमेट होना चाहिए सो दैट इट कैन क्रॉस द माइक्रोपाइल. ये माइक्रोपाइल रीजन को क्रॉस करके इसको अंदर जाना है. राइट, सो दैट वो फ्यूज हो सके फीमेल गैमेट के साथ, तो इट शुड बी एट द थर्ड पोजिशन. राइट, तो ये बहुत क्लियर है. राइट, बहुत ईजी है ये क्वेश्चन. सो आपको देखना है ऑप्शंस में मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट पोजीशन दी हुई है. ओके, सो पोजीशन आपको समझ में आ गया, फीमेल गैमेट की फिफ्थ पोजीशन. फीमेल गैमेट की फाइव कहाँ दी है, यहाँ पे और यहाँ पे. ओके, एंड मेल गैमेट की थर्ड पोजीशन. मेल गैमेट की थर्ड पोजीशन, हियर इट इज 1, हियर इट इज 3, मतलब ये वाला ऑप्शन. ठीक है, सो डी इज द करेक्ट आंसर. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. द डायग्राम रिप्रेजेंट्स द गैमेट्स पी एंड क्यू. सो हियर इज अ डायग्राम दैट रिप्रेजेंट्स द गैमेट्स पी एंड क्यू फ्यूजिंग टू गिव आर सेल. सो पी एंड क्यू गैमेट्स फ्यूज कर रहे हैं और आर सेल दे रहे हैं. दिस सेल फर्दर प्रोड्यूसेस गैमेट्स एस टी यू वी. सो आर सेल क्या कर रही है, फर्दर गैमेट्स प्रोड्यूस कर रही है, दैट इज एस टी यू एंड वी. सो डायग्राम में हमें क्या दिखाया है, देर आर गैमेट्स पी एंड क्यू दैट आर फ्यूजिंग टू गिव आर सेल और आर सेल फर्दर हमें गैमेट्स दे रही है एस टी यू एंड वी. क्वेश्चन देखते हैं. विच स्टेटमेंट अबाउट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन सेल एंड गैमेट्स इज करेक्ट. सो हमें स्टेटमेंट्स दी हुई हैं. राइट, एंड स्टेटमेंट किस बारे में है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दिए हुए हैं सेल में एंड गैमेट्स में, तो हमें बताना है कि क्या करेक्ट ऑप्शन है. ऑप्शंस पे आते हैं. ए इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन पी एंड क्यू आर डिफरेंट. पी एंड क्यू में क्या डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं? सो पी एंड क्यू क्या है, गैमेट्स हैं और ये फ्यूज कर रहे हैं टू गिव आर सेल. अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पी एंड क्यू डिफरेंट होंगे तो क्या ये फ्यूज कर पाएंगे? नो. राइट, तो गैमेट्स में हमेशा सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. राइट, पी एंड अगर गैमेट्स में डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं तो वो डिफरेंट स्पीशीज के होते हैं एंड दे कैन नॉट फ्यूज. राइट, तो मतलब कि पी एंड क्यू में डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स तो नहीं है. सो दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन. सेकेंड देखते हैं. द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन पी एंड क्यू आर सेम. सो पी एंड क्यू में क्या सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं? यस, तो ये करेक्ट हो सकता है. ओके, थर्ड ऑप्शन देखते हैं. द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन एस इज वन क्वार्टर. वन क्वार्टर मतलब 1/4 ऑफ क्रोमोसोम्स इन आर. सो आर सेल में, आर सेल से 1/4 हो रहे हैं एस में.
क्या ये ऑप्शन ठीक है? सो आर सेल है और जब वो गैमेट्स बनाएगी तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं, वो वन क्वार्टर नहीं हो जाते, वन फोर्थ नहीं हो जाते, राइट? तो ये ऑप्शन भी गलत हुआ. द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन टी इज हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन क्यू. इन टी हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन क्यू, तो ऐसा भी नहीं है, ये दोनों ही गैमेट्स हैं, राइट? तो हाफ तो उसमें नहीं होगा, राइट? तो हमारे पास क्या है करेक्ट ऑप्शन? बी, राइट? द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन पी एंड क्यू आर सेम. तो गैमेट्स में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे तभी वो फ्यूज करेंगे और सेल बनाएंगे, राइट? जाइगोट बनाएंगे, राइट? सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखते हैं, कंप्लीट द डायग्राम विथ लेबलिंग ए टू ई. सो हमारे पास ये डायग्राम दिया हुआ है, इसमें लेबलिंग करनी है, ए बी सी डी ई आर गिवन, और इसमें हमें लेबलिंग करनी है. सो ऑप्शंस आर देयर, बट इस क्वेश्चन में हम ऑप्शंस पहले नहीं देखेंगे, हमें लेबलिंग करनी है. दिस इज अ फ्लावर, तो बहुत इजी है इसकी लेबलिंग करना, राइट? तो पहले हम लेबलिंग करेंगे और उसके बाद हम ऑप्शंस पे जाएंगे. सो पहले लेबलिंग करते हैं. लेबलिंग से स्टार्ट करेंगे तो हमें सबसे पहले फ्लावर में पेटल्स दिखते हैं, राइट? द रेड ब्यूटिफुल पेटल्स, राइट? तो हमारा ए क्या है? पेटल है, तो हम लिख लेते हैं कि ए पेटल है, ठीक है? अब देखो बी दिया हुआ है, बी क्या है, ये क्या शो हो रहा है? एंथर्स, राइट? सो बी क्या है? एंथर है, राइट? अब सी देखते हैं, सी क्या है? दिस इज द ओवरी, राइट? और इसके अंदर का पार्ट पूछा है, राइट? आपको नोटिस करना है कि इसके अंदर का पार्ट पूछा है. सो दैट इज द ओव्यूल. सी पे क्या है? ओव्यूल है, ओके? अब डी पे आते हैं, डी पे क्या है? यहाँ पे एंथर है और बीच में क्या होता है? स्टिग्मा, राइट? सो डी पे हमारा क्या है? स्टिग्मा, ओके? एंड ई, ई क्या है? हमारी ओवरी है, राइट? सो हमें अब जस्ट आंसर चेक करना है हमारा कि हमें ये आंसर किस ऑप्शन पे मिल रहा है, ठीक है? तो ए पेटल, सबसे पहले ए पेटल का देख लेते हैं. ए पेटल हमारा ए ऑप्शन में है, और किसी में तो है ही नहीं, ठीक है? बट इसका पूरा आंसर चेक कर लेते हैं. बी एंथर, यस बी एंथर. सी ओव्यूल, सी ओव्यूल. डी स्टिग्मा, डी इज स्टिग्मा, राइट? एंड ई इज ओवरी, सो ई इज ओवरी, राइट? सो हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, हम बी सी डी को नहीं देखेंगे, ए इज द करेक्ट आंसर, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फोर चिल्ड्रन वॉच डेंडेलियंस इन द गार्डन. सो डेंडेलियंस आपने देखे होंगे, देयर इज अ पिक्चर गिवन जिसमें कि डेंडेलियंस दिखाए हैं, ओके? एंड रिकॉर्ड देयर ऑब्जर्वेशंस. सो हमारे पास फोर चिल्ड्रन हैं पिक्चर में फोर चिल्ड्रन शो किए हैं एंड दे आर वॉचिंग द डेंडेलियंस, ओके? बेस्ड ऑन योर कंसेप्ट ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. अब जो आपका नॉलेज है रिगार्डिंग द रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, यू हैव टू कमेंट ऑन हूज ऑब्जर्वेशन आर एक्यूरेट. सो आपको देखना है कि पिक्चर में जो फोर चिल्ड्रन हैं, इनमें से डेंडेलियंस को लेकर किसके ऑब्जर्वेशंस एक्यूरेट हैं. एक्यूरेट मतलब एग्जैक्ट हैं, करेक्ट हैं, ओके? सो आपके पास ये पिक्चर है और इसमें फोर चिल्ड्रन दिखाए हैं. चिल्ड्रन आर एलेक्स, डायना, ब्रिजिट एंड क्राइस, ठीक है? सो फोर चिल्ड्रन आर देयर एंड दे आर कमेंटिंग, दे आर डिस्कसिंग रिगार्डिंग द डेंडेलियन, ओके? सो डेंडेलियन की पिक्चर जो है वो इसमें क्लियर नहीं है. सो आई एम शोइंग यू अ डेंडेलियन पिक्चर. दिस इज द पिक्चर ऑफ डेंडेलियन. और इसमें आप बहुत क्लियरली नोटिस करोगे कि ये कैसा दिखता है, ओके? एंड डेंडेलियन के जो फ्लावर्स हैं ये बहुत हाइट पे होते हैं, ओके? सो ये हाइट पे हैं. अगर आप इन चिल्ड्रन के कमेंट्स को देखोगे, सो दे आर कमेंटिंग रिगार्डिंग द पॉलिनेशन, ठीक है? सो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स मतलब पॉलिनेशन इन प्लांट्स, राइट? सो पॉलिनेशन इन प्लांट्स को वो डिस्कस कर रहे हैं कि डेंडेलियन में पॉलिनेशन कैसे होता है, व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज देयर, ठीक है? तो जब आप डेंडेलियन देखते हो, आपको ये नोटिस करना है कि जो इसका फ्लावर होता है वो बहुत हाइट पे होता है, राइट? एक तो हाइट पे है एंथर्स, एंड दूसरा ये बहुत लाइट है ना, लाइट इन वेट है. सो ये टू क्वालिटीज हैं विंड पॉलिनेशन की. विंड पॉलिनेशन दैट इज विंड से, हवा से पॉलिनेशन होता है. तो यही दो क्वालिटीज हैं एंथर की, कि वो लाइट वेट हो, लाइट वेट होगा तभी वो विंड से पॉलिनेट हो पाएगा, हवा से एक जगह से दूसरी जगह पे जा पाएगा, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जा पाएगा,
राइट। सो एंथर जो है वो लाइट इन वेट होता है एंड वो हाइट पे होगा, तभी वो हवा से इजिली जा पाएगा, राइट। सो डेंडेलियन में यही दो फीचर्स हैं जो हमने नोटिस किए, एंड अब उनके कमेंट्स पे आते हैं। सो हेयर आर द फोर चिल्ड्रन दैट आर डिस्कसिंग अबाउट द पॉलिनेशन इन डेंडेलियन। फर्स्ट एलेक्स, एलेक्स सेज द बीज टेक द पॉलन, द पॉलन हेल्प्स द डेंडेलियन टू ब्लूम। देन द ब्रिजिट सेज द पॉलन स्टिक्स ऑन द बीज, दिस पॉलन इज नीडेड by another dandelion for reproduction. The Christ says bees take the pollen from the flower. If the pollen lands on the soil, a new dandelion can grow. And then the Dinah says dandelion do not need bees. The pollens of a dandelion is blown away by wind. तो इन चारों के कमेंट्स देखकर हमें बहुत क्लियरली समझ में आ गया कि किसका कमेंट जो है वो एक्यूरेट है, राइट। दैट इज दी डाइना, राइट। सो डाइना जो है उसका करेक्ट ऑब्जर्वेशन है, राइट। डाइनास ऑब्जर्वेशन इज एक्यूरेट, फाइन। सो दिस वाज द केस बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। सो ये तो बहुत ही ईजी था, राइट। सो केस बेस्ड क्वेश्चंस आर रियली स्कोरिंग, मैंने आपको पहले ही बोला कि बहुत स्कोरिंग होते हैं। स्कोरिंग इसलिए ही है बिकॉज मैनी अ टाइम्स हमारा जो नॉलेज है वही काम आता है, ठीक है। हमें उस कंसेप्ट की पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, राइट। सो जो भी कंसेप्ट्स हैं आपकी बुक में, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो आपकी टेक्स्ट बुक में डायग्राम्स दिए हुए हैं वो आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो, ठीक है। लेबलिंग उसकी प्रॉपरली अच्छे से देख लो, ट्राई टू ड्रॉ देम। वो आपको लॉन्ग आंसर टाइप में भी हेल्प करेंगे, राइट। लॉन्ग आंसर टाइप में हमेशा एक क्वेश्चन डायग्राम से रिलेटेड आता ही है, डायग्राम प्लस एक्सप्लेनेशन, तो वो भी बहुत इजी हो जाएगा, स्कोरिंग करना बहुत इजी हो जाएगा। प्लस आपके जो केस बेस्ड क्वेश्चन है उसमें मैनी अ टाइम्स डायग्राम इंक्लूड होता है, तो यहाँ पे भी स्कोर करना जो है वो आपके लिए इजी हो जाएगा। लाइक दिस क्वेश्चन, हमें इसमें सिर्फ डायग्राम देखना था, राइट। इस क्वेश्चन में बेसिक अंडरस्टैंडिंग की ही नीड थी, राइट। सो इसमें दो क्वेश्चन तो डायग्राम से ही आ गए, ओके। एंड केस बेस्ड क्वेश्चन में डायग्राम के अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो होता है टेबल्स, ठीक है। सो टेबल्स जो भी आपकी बुक में दी हुई हैं उनको बहुत थॉरली आप एक बार रीड कर लो, बहुत अच्छे से समझ लो। प्लस अगर कोई ग्राफ दिया हुआ है, अगर आपकी बुक में कोई भी ग्राफ है वो कंसेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ लो आप, ठीक है। बिकॉज ग्राफ्स भी बहुत कॉमन है केस बेस्ड क्वेश्चंस में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। सो केस बेस्ड क्वेश्चंस में हमारे पास थ्री थिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक टेबल्स, कोई भी टेबल है उसको थॉरली पढ़ लो, डायग्राम्स को प्रॉपरली लेबल करके आप समझ लो, एंड ग्राफ, ग्राफ तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफ्स बहुत कॉमनली इंक्लूड होते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन में, ठीक है। सो ये थ्री थिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और ये क्वेश्चन था हमारा टॉपिक ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन के बारे में, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। सो आई विल कम विद मोर केस बेस्ड क्वेश्चंस लाइक दिस, एंड आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। आपको समझ में आया होगा कि कैसे सॉल्व करना है। इफ यू फाउंड दिस लेक्चर यूजफुल, हिट द लाइक बटन एंड डू टेल मी इन कमेंट सेक्शन। प्लीज मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आपको केस बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना अब इजी लग रहा है। प्लस अगर कोई भी टॉपिक है जिसमें आपको प्रॉब्लम है, कुछ भी डाउट्स हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं इन कमेंट सेक्शन। यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम। आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करके अपने डाउट्स मुझे मैसेज कर सकते हैं, ओके। और भी कोई टॉपिक है जिसको आप पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। आई विल क्रिएट अ वीडियो, मैं जल्दी ही वो आपके साथ फिर शेयर करूंगी, ओके। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।